राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर विद्यावर सिंधी सेंट्रल समाज द्वारा एक माह तक अचो सिंधी सीखो शिविर के समापन समारोह किया गया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंधी सेंट्रल समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री लक्ष्मण दास कुरनानी ने कहा कि जीवन में लक्ष्य हमेशा ऊंचे रखने चाहिए। हम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी पूर्वक सतत प्रयास करने से ही सफलता अर्जित होती है। शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या अपनी भाषा एवं संस्कृति को संजोए रखने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया हो, कोशिश हमेशा ईमानदारी पूर्वक प्रयास करने की होनी चाहिए। इस मौके पर अपने उद्गार रखते हुए सिंधी सेंट्रल समाज के संरक्षक हरिकिशन त्रिलोकानी ने बढ़ते सांस्कृतिक प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने समाज में घटती हुई निज भाषा के उपयोग पर भी चिंता प्रकट की। सिंधी शिक्षा विद्यार्थी मित्र संस्था की श्रीमती भावना खुबानी ने बताया कि इस अवसर पर सिंधी शिक्षा मित्र कमल सुंदर चचार्य ने युवा पीढ़ी में अपनी मार हो गए, लेकिन वर्तमान समय में सुनहरा मौका मिल रहा है जब राज्य व राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से अपनी अपनी मातृभाषा सीखने एवं सिखाने का दायित्व विभिन्न सामाजिक संगठनों को दिया जा रहा है। कार्यक्रम में खुशबू शिवानी, डिंपल तिलोकानी, दामिनी खटनानी, नंदिनी भोजवानी, दीपिका खूबचंदानी, भव्या सिमरन छत्तानी, स्वाति लालवानी, मिश्री फुलवानी, एकलव्य दुलानी तथा नेहा दुलानी आदि अनेक विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर समापन कार्यक्रम में समापन दिया। इस अवसर पर रितु टवरानी, श्रीमती भावना खुबानी, श्रीमती रश्मि लालवानी व पूजा कांजानी के विशेष सहयोग पर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सानिया खुबानी ने किया तथा धन्यवाद कमल सुंदर चचलानी ने ज्ञापित किया। अरे लगता है जुड़ने वाला है। जुड़ा। अरे वाह, कैसी हो तुम? ठीक हो? बाय। अरे यार, इस नेट कनेक्शन की रफ्तार से तो मैं बहुत दुखी हूँ, फिर कट गया। इंटरनेट की महंगी सर्विस और स्लो स्पीड से पाइए छुटकारा। लगवाई कनेक्शन जे स्काई रेडीनेट फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस का। जी हाँ, संपर्क कीजिए जे स्काई टावर, एकता सर्किल, लोडा मार्केट के सामने, ब्यावर। मोबाइल नंबर 9952525302।